गुना में राजपूत करणी सेना ने प्रदर्शन किया है यह राजपूत करणी सेना ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है इस ज्ञापन में राजपूत करणी सेना ने पत्र के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वह राजपूत क्षत्रिय समाज की आबादी पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा है वहां पर सरकार को राजपूत करणी सेवा के युवाओं को टिकट देना चाहिए इसमें उन्होंने पचास टिकट राजपूत करणी सेवा को दिए जाने की मांग की है बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब टिकट दिए जाने की मांग की जाने लगी है इसी के चलते राजपूत करणी सेना ने भी मैदान में उतरकर टिकट की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है इसमें राजपूत करणी सेना ने अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है वहीं राजपूत करणी सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे उसके पहले आप क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी हैं है। जानता हूं कि आपके हाथों में मांगे पूरी करना नहीं है और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठाए और इसको ऐसा नहीं हो कि मांग पत्र आप ले और रख दें क्योंकि मैं जब वहां बैठूंगा तो मैं सब पूरे जिले जिले इसीलिए घूम रहा हूँ कि मेरा प्रश्न प्रश्न यही रहेगा कि मैं तो अवगत करते आपने ध्यान ही नहीं दिया ध्यान दोगे तो सरकार में रहोगे नहीं दोगे तो हटा देंगे स्पष्ट बात आप मांग पढ़ लीजिए